आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्न पर। आज का ये हमारा दूसरा क्लास है और आज की इस क्लास में यानी सेकेंड क्लास के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर सेकेंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जो आपका सेकेंड यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है यानी कि इस चैप्टर नंबर सेकेंड का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। दोस्तों ये आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राओं ने अभी तक पहला यानी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास नहीं देखी है, तो आप सब लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। रोज़ शाम 7 बजे आप लोग की क्लास स्टार्ट की जाती है, तो आप लोग 7 बजे लाइव आ जाया करिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस क्लास का शुभारम्भ करते हैं और सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को। ओके, तो पहला प्रश्न इसमें है जो आपको पढ़ना है, विच डज नॉट शो रिजोनेंस, इनमें से कौन सा रिजोनेंस यानी अनुनाद, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता यानी शो नहीं करता है। पहला है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है एनिडीन, एथिल एमीन और टालुइन। तो आप सबको पता है कि बेंजीन जो है दोस्तों वो क्या करता है, अनुनाद स्ट्रक्चर जितने भी बेंजीन से संबंधित एनिडीन आप बनाएंगे तो बेंजीन की सहायता से ही बनाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन तो शो करता है रिजोनेंस, एनिलीन भी आपका रिजोनेंस दिखाता है और टालुइन भी रिजोनेंस दिखाता है। इनमें से कौन सा रिजोनेंस नहीं दिखाएगा, तो एथिल एमीन जो है ये रिजोनेंस नहीं प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो, दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द होमोलिटिक फिशन, इनमें से कौन सा होमोलिटिक फिशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है, यानी कि इनमें से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि होमोलिटिक फिशन के अबाउट कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा नहीं सही है। माफ़ कीजिएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है नॉट ट्रू, कभी कभी यहीं पर गलतियाँ हो जाती हैं, आप क्वेश्चन ढंग के पढ़ते नहीं हैं और आप टिक कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इट टेक्स प्लेस व्हेन टू एटम आर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये कह रहा है कि ये तब टेक यानी स्थान ग्रहण करता है जब दो एटम सिमिलर हों और वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, तब होमोलिटिक फिशन जो है ये टेक प्लेस करता है। तो क्या ये सही है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। जब भी होमोलिटिक फिशन की बात आए तो होमोलिटिक फिशन कब होता है, होमोलिटिक फिशन की प्रक्रिया कब होगी, जब दो एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रहेंगे तब होमोलिटिक फिशन टेक प्लेस लेता है। तो ये पहला आपका होमोलिटिक फिशन के अकॉर्डिंग सही, लेकिन आपको बताना क्या था, नहीं सही है, नॉट ट्रू, कौन सा नहीं सही। दूसरा देखते हैं द प्रोडक्ट आर फ्री रेडिकल, तो बिल्कुल सही है, होमोलिटिक फिशन जो होते हैं ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं। सी ऑप्शन है इट रिक्वायर्ड द लेस एनर्जी इन हेट्रोलिटिक फिशन, तो बिल्कुल ये हेट्रोलिटिक फिशन में कम लेस इनकी जो एनर्जी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये तीन ऑप्शन आपके सही हो गए, तो जाहिर सी बात है आपका ये चौथा ऑप्शन गलत होगा, यानी कि द प्रोडक्ट फॉर्मेड आर आयंस, ठीक है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो आपको गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा SP संकरण का उदाहरण नहीं है, आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा SP संकरण का उदाहरण नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, सभी अपने दोस्तों में आज स्टेटस आप लगा दीजिए इस क्लास का और सभी लोग लगभग लगभग 3 से 4 लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिए, आप सबसे मेरा निवेदन है। ओके चलिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा SP संकरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण नहीं पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से आपको बताना है किसका SP संकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा गया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है BeCl2,
तो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम क्लोराइड का हम देखते हैं दोस्तों, तो बेरिलियम क्लोराइड का जो वो होगा यानी संकरण होगा वो क्या होगा, वो sp2 होगा। इसका संकरण क्या आ जाएगा, इसका संकरण होता है sp2। ओके सभी लोग संकरण निकालना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से माफ कीजिएगा, BeCl2 का जो संकरण होगा वो sp संकरण आएगा, ठीक है, इसका sp संकरण ही होगा। दूसरा अगर हम देखते हैं BeH2, तो BeH2 का जो आप संकरण निकालेंगे तो इसका संकरण यानी इसका जो नाम है दोस्तों वो है बेरिलियम हाइड्राइड, और बेरिलियम हाइड्राइड का भी संकरण क्या होता है, sp संकरण होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर SnCl2 का, तो SnCl2 का जो यानी कि इसका जो संकरण होगा, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है टिन सेकेंड क्लोराइड, और टिन सेकेंड क्लोराइड का जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। क्या होता है, sp2 संकरण होता है। तो आपको क्या बताना था कि कौन सा sp संकरण का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर SnCl2 जो है यानी कि टिन सेकेंड क्लोराइड जो है इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। बाकी BeCl2 की बात करें तो यहाँ पर भी sp पाया जाता है, BeH2 में भी sp संकरण पाया जाता है, और BeF2 यानी बेरिलियम फ्लोराइड में भी sp संकरण पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा प्रश्न है, हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूस। इसमें पूछा गया है कि कौन, इसमें से बताना है हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन क्लोराइड बॉन्ड क्या प्रोड्यूस करता है, 2 फ्री रेडिकल्स ये देता है, या फिर 2 कार्बोनियम आयन देता है, या फिर 2 कार्बेनियंस देता है, या 1 कैटायन 1 एनायन देता है। तो इनमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 कैटायन एंड 1 एनायन। हेट्रोलाइसिस कार्बन क्लोरीन जो होता है वो बॉन्ड जो होता है वो क्या देता है, वो 1 कैटायन 1 कैटायन और 1 एनायन देता है। तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाँचवा प्रश्न आपका है कि इन CH3CH2OH यानी कि एथिल एल्कोहल दिया गया, इन एथिल एल्कोहल द बॉन्ड दैट अंडरगो हेट्रोलाइटिक क्लेवेज मोस्ट रेडली इज। आपको बताना है कि एथिल एल्कोहल बॉन्ड में कब हेट्रोलाइटिक जो फिशन होता है, क्लेवेज होता है, कब वो मोस्टली रेडिकल होता है, किसमें, कार्बन कार्बन बॉन्ड में, या फिर कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन हाइड्रोजन में, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। ओके चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न आपका है, कार्बेनियम आयन इज फॉर्मेड इन, यानी कार्बेनियम आयन है वो कब प्राप्त होता है। पहला दिया गया है कि होमोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन, या इन बोथ यानी दोनों में, या इन नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें बताना है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, इसमें सही आंसर हो जाएगा हेट्रोलिटिक फिशन। क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक फिशन में आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कार्बेनियम आयन इज फॉर्मेड इन हेट्रोलिटिक फिशन, कब प्राप्त होता है, जब हेट्रोलिटिक फिशन में प्राप्त होता है। सातवां प्रश्न है, द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल प्रोसेस, जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है वो मुक्त मूलक कब प्राप्त, यानी मुक्त मूलक कब देता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त मूलक के रूप में देता है, या 8 इलेक्ट्रॉन देता है, या 7 इलेक्ट्रॉन, या फिर नन ऑफ एबव, ठीक है। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी सी नंबर सेक्शन इसमें सही होगा, ठीक है। द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल प्रोसेस 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यानी ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है आपका, ठीक है। चले आठवां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, आठ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा स्पेसीज जो है वो पैरा मैग्नेटिक होता है, कब, नेचर में, ठीक है। कौन सा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पेसीज पैरा मैग्नेटिक है, कब, किसमें, नेचर में, प्रकृति में। पहला दिया गया फ्री रेडिकल, कार्बेनियम आयन, कार्बेनियन, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न का वो हो जाएगा फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स दिया गया है, मुक्त मूलक, तो मुक्त मूलक आप समझ गए कि जब नेचर में यानी कि ये मुक्त रूप से मिलने वाला है, तो आप ध्यान रखेंगे
जब भी नेचर की बात हो और पैरामैग्नेटिक पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, फ्री रेडिकल्स को, मुक्त मूलक को टिक करेंगे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल्स जो है वो सबसे अधिक अस्थाई है। यहाँ पर मोस्ट स्टेबल पूछा गया है, सबसे अधिक अस्थाई कौन सा फ्री रेडिकल्स है। पहला दिया गया प्राइमरी, मेथाइल, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्सरी। जो टर्सरी फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पर कार्बोकेटायन दिया गया है, कार्बेनियम आयन दिया गया है, फ्री रेडिकल्स है, नन ऑफ दीज। तो फ्री रेडिकल्स दिया गया है कि कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल है। तो सबसे मोस्ट स्टेबल जो है दोस्तों वो है कार्बोकेटायन। क्या है, कार्बोकेटायन जो है सबसे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल्स है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सभी लोग आंसर करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज द सेंट्रल कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इनमें से कौन स्पेसीज जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम जो होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना था। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज देता है दोस्तों वो कार्बेनियम आयन देता है। क्या देता है, कार्बन आयन देता है। ओके, कार्बन आयन आपका क्या देता है, सेंट्रल कार्बन एटम इज नेगेटिव एटम। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, अमोनिया इज आइसोइलेक्ट्रिक विथ, अमोनिया जो है समविभव बिंदु किसके साथ है। अमोनिया इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर है अमोनिया इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, यानी अमोनिया किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, फ्री रेडिकल्स के साथ या फिर कार्बन आयन के साथ या फिर कार्बोकेटायन के साथ या फिर ऑल ऑफ एबव। सभी लोग जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन आयन। कार्बन आयन जो है वो यानी अमोनिया आइसोइलेक्ट्रिक किसके साथ होता है, कार्बन आयन के साथ होता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा कार्बन आयन जो है वो मोस्ट स्टेबल है, अधिक अस्थाई है, मेथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो इनमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा टर्सरी, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टर्सरी जो है ये सबसे अधिक मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है। ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेथाइल। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा मेथाइल। फ्री रेडिकल अगर पूछा जाएगा तो टर्सरी होगा, अगर कार्बन आयन पूछा जाएगा तो मेथाइल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा आयन सबसे अधिक स्थाई है। पहला दिया गया CH3CH2+ या फिर यहाँ पर दिया गया CH3 2 का होल थ्राइज, CH3 का होल थ्राइज और C6H5CH2। तो अधिक स्थाई पूछा गया है, तो सबसे अधिक स्थाई इसमें से कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है किसका, भारी पड़ रहा है C6H5CH2। ठीक है, ये सबसे अधिक स्थाई होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है अमंग द गिवन केटायंस द मोस्ट स्टेबल कार्बेनियम आयन इज। ठीक है, आपको इसमें बताना है ये कैटायंस दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बेनियम आयन कौन सा है, सिस ब्यूटिल, ट्राई ब्यूटिल, एन ब्यूटिल या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ट्राई ब्यूटिल। ठीक है, ये सभी क्या दिए गए हैं, कैटायंस, और इन कैटायंस में सबसे मोस्ट स्टेबल जो कार्बेनियम आयन है वो है ट्राई ब्यूटिल। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज़ ए ट्राइगोनल प्लेनर शेप, आपको क्या बताना है इनमें से किसके पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप इनमें से किसका है। पहला हम चेक करते हैं CH3- का क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या हो जाएगा इसका होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका जो आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल CH3 का,
और अगर बॉन्ड एंगल बात करें सी एच थ्री माइनस का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा वो आएगा 19.5 डिग्री। दोस्तों जब भी ज्योमेट्री या सेप, ठीक है, जब भी ज्योमेट्री या सेप आपका क्या हो, टेट्राहेड्रल हो, तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109.5 डिग्री आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बी नंबर को चेक करते हैं, सी एच थ्री प्लस, तो सी एच थ्री प्लस का जो सेप होगा दोस्तों वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और बॉन्ड एंगल इसका कितना आएगा, तो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। जब भी सेप ट्राइगोनल प्लेनर हो तो उसका बॉन्ड एंगल उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। पूछा आपसे क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ट्राइगोनल प्लेनर सेप है, तो इस किसके पास है, सी एच थ्री प्लस के पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इसका कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम बी एफ फोर माइनस का, तो बी एफ फोर का जो आएगा बॉन्ड एंगल निकल के वो कितना आएगा। इसका अगर सेप की बात करें तो इसका सेप है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल जब भी सेप होगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा वो 1.9.5 डिग्री, ठीक है। इसका सेप क्या है बी एफ फोर का, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री। अगर यहीं पर बात करें हम एस आई एफ फोर की, तो एस आई एफ फोर का जो बॉन्ड एंगल है दोस्तों वो कितना आएगा, 109.5 डिग्री। तो अगर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है तो फिर इसका सेप क्या होगा, तो सेप इसका टेट्राहेड्रल होगा। हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर किसका है, सी एच थ्री प्लस का जो सेप है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऑप्शन बी इसमें आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक आर, इनमें से आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक्स है। पहला है लुईस एसिड, लुईस बेस, या फिर एमार्फिक सब्सटेंस, या फिर नन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज़ 2p ऑर्बिटल्स अनशेप्ड, ठीक है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा संकरण, किस संकरण के पास 2p ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है sp3, दूसरा क्या कह रहा है sp2, और sp या फिर नन ऑफ दीज, तो इनमें से किस संकरण के पास 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो दोस्तों दो पी ऑर्बिटल किसके पास रहेंगे, sp संकरण के पास 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा sp संकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, sp संकरण के पास, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन है द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यानी किस संकरण के पास हाइएस्ट एस करेक्टर है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हाइएस्ट करेक्टर किसका बताना है, इनमें से कौन से संकरण के पास अधिक परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है। तो पहला sp है, दूसरा sp3 संकरण, या फिर sp2, या फिर sp, ओके। तो इनमें जो सबसे अधिक एस करेक्टर, हाइएस्ट एस करेक्टर है वो sp संकरण का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, यानी कि एक sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या कंटेन करता है, 1/4 एस करेक्टर, या 1/2 एस करेक्टर, 1/3 एस करेक्टर, या फिर 1/3 एस करेक्टर। दोस्तों आपको बता दें, अगर सबसे हाईएस्ट पूछा जाए किस संकरण का सबसे हाईएस्ट एस करेक्टर है, तो sp3 का है, फिलहाल sp का है, और sp3 का यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कंटेन करता है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 1/4 एस करेक्टर, क्या कंटेन करता है, 1/4 एस करेक्टर कंटेन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछा गया द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड आर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर हम इसका IUPAC नेम देखें कि इसका IUPAC नाम का होगा तो इसका IUPAC नाम आएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर कार्बन कितने, एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट वन इन थ्री आयन। ठीक है, ब्यूट वन इन थ्री आयन जो है ये इसका IUPAC नेम है। और इनमें हम क्या पूछा गया है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच में संकरण पूछा गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसके बीच पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है किसके बीच में, ये सी, एक मिनट, सी और सी इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, इन दोनों का जो संकरण है वो क्या होगा। तो इसका संकरण आएगा दोस्तों sp, एक का sp आएगा और CH वाले का आएगा sp2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sp sp2 संकरण। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम वन एंड कार्बन एटम सेकेंड इन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, बॉन्ड बताना है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम फर्स्ट एंड कार्बन एटम सेकेंड इन कंप्लीट एन ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। आपको इन दोनों कार्बन्स के, ये जो दो कार्बन दिए गए हैं ना यहाँ पर नंबरिंग की गई है 1 और 2, इन दोनों का आपको बताना है संकरण क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो संकरण पूछा गया है दोस्तों वो अभी मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, जब भी ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसका sp होगा और दूसरे वाले CH का जो होगा वो क्या होगा sp2, तो sp और sp2 संकरण आएगा इसका। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसी प्रकार से जो अभी पहला क्वेश्चन था सेम ठीक इसी प्रकार से था। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कार्बन कार्बन का पूछा जाएगा तो sp और sp2 संकरण आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रांगेस्ट, इनमें से कौन सा एसिड है जो सबसे स्ट्रांगेस्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है एस्टिक एसिड, क्या एस्टिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है, या फिर दूसरा दिया गया है क्लोरो एसिड, एस्टिक एसिड क्लोरो एस्टिक एसिड सबसे स्ट्रांग होता है, या फिर डाई क्लोरो एस्टिक एसिड या ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड। तो सबसे स्ट्रांग की बात अगर हो रही है तो ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है द वीकेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग एज, इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है, सबसे कमज़ोर एसिड कौन सा है। पहला दिया गया एस्टिक एसिड, दूसरा दिया गया CH2Cl CWOH CHCl2CWOH CCl3CWOH। ठीक है, तो इनमें से क्या बताना है आपको, वीकेस्ट एमंग द फॉलोइंग एज, तो सबसे वीक जो है वो क्या है, सबसे वीक इसमें एस्टिक एसिड होगा, एस्टिक एसिड जो है वो सबसे वीक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ें, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों। दोस्तों इस समय BSc फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ का रिवीजन कराया जा रहा है, तो सभी लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कराया करिए। रोज़ शाम को 7 बजे आपकी क्लास संचालित होती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है रिजोनेंस इज ड्यू टू, रिजोनेंस का कारण क्या है, किसके कारण ये रिजोनेंस की जो घटना है, जो परिकल्पना है, ये किसके कारण है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो रिजोनेंस जो होता है यानी कि रिजोनेंस ड्यू टू, तो रिजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिजोनेंस की जो परिघटना है किसके अनुसार होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, रिजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके पास क्या नहीं होता है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं होता है, या फिर नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, यानी इसके पास सेम एनर्जी कंटेंट नहीं होता है,
फिर तीसरा कह रहा है कि द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते या फिर आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आपको बता दें, जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग, इसके पास आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। बाकी सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आइडेंटिकल बॉन्डिंग इसमें नहीं होगा। बॉन्डिंग जो होगी वो विभिन्न प्रकार से रहती है किसी भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर की, क्योंकि रिजोनेंस स्ट्रक्चर बताता क्या, रिजोनेंस स्ट्रक्चर दोस्तों आप बताता है कि कोई भी कंपाउंड है या किसी, जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन का अगर रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हम इस प्रकार से कुछ बनाएंगे, बेंजीन का बनाएंगे हम इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये बॉन्डिंग जो है वो अलग अलग दिख रही है, आइडेंटिकल बॉन्डिंग इसकी नहीं है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगे, ओके। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर होगा। चले क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई के सपेक्ष में कौन सा ऑर्डर इसमें से सही नहीं है, ठीक है। सही ऑर्डर नहीं बताना है, कौन सा ऑर्डर गलत बताना है, कि कौन सा ऑर्डर गलत है आयनिक रेडियाई के सापेक्ष में, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला Al3+, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें S > S2 का, तो यही गलत है, यही आपका करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर होना चाहिए S > S2-, ओके। और सी ऑप्शन Pb, Pb2, Pb4, तो ये आपका सही दिया गया है, देखिए ये करेक्ट ऑर्डर दिया गया है किसके, आयनिक रेडियाई के सापेक्ष में। अगर डी देखें तो Cl- S2-Pb3, तो यह भी सही ऑर्डर दिया गया है। तो इनमें से जो सही आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही जो है ये करेक्ट आयनिक रेडियाई के सापेक्ष में क्रम गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न में है, होमोलिटिक फिजन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, होमोलिटिक फिजन में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध होता है वो क्या फॉर्मेशन करता है, कौन सा बंध बनाता है, कार्बे कैटायन बनाता है या कार्बे एनायन बनाता है या फिर फ्री रेडिकल्स या नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो सही आंसर है 29 नंबर का वो हो जाएगा फ्री रेडिकल्स, यानी मुक्त मूलक आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड सी बंध के होमोलिटिक विघटन के द्वारा जो प्राप्त होता है वो मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स प्राप्त होता है, इसलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बेयरिंग टू द नेगेटिव चार्ज इन कार्बेनियम इज, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि संकरण, किसी भी कार्बन एटम का जो संकरण है वो नेगेटिव चार्ज कार्बे एनायन कब किस संकरण में रिलीज करेगा, sp, sp2, sp3 या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होंगे वो हो जाएंगे sp संकरण आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए यानी कार्बोनियम आयन के पूछा गया था, कार्बोनियम आयन के कार्बन परमाणु जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन देखिए, कार्बोएनायन के कार्बन परमाणु जिस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा संकरण होता है, तो यहाँ पर sp संकरण होता है, sp संकरण ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द O2 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो O2 यानी O2 मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन नहीं करता है, किसके आधार पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर क्या नहीं एक्सप्लेन करता है, द एटम इन द आर हेल्ड विथ ए डबल बॉन्ड, बी ऑप्शन कर रहा है, दियर इज वन सिग्मा एंड द ऑर्डर ऑफ एंड अदर इज पाई बॉन्ड, द मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट या इट इज पैरा मैग्नेटिक। तो दोस्तों आपको बता दें, जो O2 मॉलिक्यूल है यानी O2, N2, H2 ये सब क्या हैं, पैरा मैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, इट इज पैरा मैग्नेटिक, O2 जो मॉलिक्यूल है वो प्रभाषित नहीं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन द ऑन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर O2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, क्योंकि ये पैरा मैग्नेटिक हैं, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है 4s 4p 4d 4f
और ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी फॉर, यानी 4s, 4p, 4d, 4f की जो एनर्जी है वो किस ऑर्बिटल के लिए सेम होती है, किसके लिए सेम होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए सेम होती है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। दोस्तों आज की यानी सेकंड चैप्टर से, यूनिट नंबर सेकंड, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल से 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रकार के हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम यानी कि यूनिट नंबर थर्ड, कल की क्लास में हम थर्ड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। सभी लोग 7 बजे लाइव आ जाइएगा। इस क्लास का PDF SP स्टडी पॉइंट के आपको ऐप पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।